रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, क्या हमने तुम्हारे कल्ब को रोशन नहीं किया? क्या तुम्हारा बोझ उतार नहीं फेंका जिसने तुम्हारी पुश्त को रगड़ कर इस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला कर दिया? हमने तुम्हारे वक़ार को अस्मत बख्शी। एक आसानी पोशीदा होती है हर मुश्किल में, बिल्कुल इस दुख में भी तुम्हारे लिए सुख पोशीदा है। और फिर जब तुम थक हार कर दुनिया से ना उम्मीद हो जाते हो और सिर्फ रब से उम्मीद लगाते हो, तो उसी से लो लगाओ। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से, हमने तुम्हें वाज़े तौर पर फतह की नवीद दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे तुम्हारे अगलों और पिछलों के, और तुम पर नेमतें तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। और बेशक अल्लाह तुम्हें अजीम फतह से सरफराज फरमाएगा। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनके ईमान में और इजाफा हो। आसमान और जमीन की सारी मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह अलीम है, हर शय में हिकमत है उसकी। मोमिन मर्द हुसन का मकाम जन्नत है, जहां वो हमेशा रहेंगे, आबे शीरी और मनोसलवा से लुत्फंदोज होंगे। ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है और ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए अजर अजीम है। और जो अल्लाह के साथ पर ईमान नहीं रखते, उन मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए जो दूसरे खुदाओं पर यकीन रखते हैं, बदतरीन अजाब है जो हमेशा रहेगा। शैतान उनके सरों पर सवार हो चुका है, अल्लाह उन पर गजबनाक है, लानत भेजता है और जहन्नम को उनके लिए तैयार कर रखा है। क्या बुरी जगह है जहन्नम! आसमान और जमीन की सब मखलूक अल्लाह ही की है, सब कुछ उसी का है, अल्लाह ही हिकमत वाला है, बेशक अल्लाह ही हक को आश्कार करता है। कोई शक नहीं कि अल्लाह ही हक को आश्कार करता है।